नमस्कार, मैं आरके सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये मेरी ऑफलाइन क्लास है, बच्चे सामने बैठे हुए हैं और आज मैंने हिस्ट्री का जो एक नया आपका खंड आ रहा है वो है आधुनिक भारत का इतिहास। तो आज से मेरी क्लास शुरू हो रही है आधुनिक भारत के इतिहास से। तो जो लोग आधुनिक भारत का इतिहास देखना चाहते हैं तो इसको पूरा देखें और आगे भी वीडियोस के डाले जाएंगे तो उनको भी देखें। तो हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत के इतिहास में, जो पहला टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट है क्योंकि भारत में जो है वो 6 यूरोपियन कंपनियाँ आईं, कुछ यहाँ पर स्थायी हो गई, कुछ समय बाद जो है यहाँ से चली गई, लेकिन एग्ज़ाम में सभी से क्वेश्चन बनते हैं, उनके आने का क्रम पूछा जाता है, तो वही मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये हमारा पार्ट कौन सा है आपका, ये पार्ट फर्स्ट है। और हिस्ट्री की क्लास का कौन सा क्रम है हमारा, ये 37वां है कि 38वां है, 38वीं क्लास है जो हिस्ट्री की हमारी, जो है ये 38वीं क्लास है। तो आइए चलिए हम चलते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो चलिए हम बात करते हैं, पहले से थोड़ी सी भूमिका बनाते हैं कि भारत जो है व्यापारिक संप्रदाय की दृष्टि से संपन्न था, तो यह बात जो है वो कई यूरोपीय कंपनियों को जो है अपनी ओर आकर्षित करती रही। एक प्रकार से कह सकते हैं दुनिया है जो है भारत की तरफ आकर्षित थी कि भारत में आकर के व्यापार किया जाए। तो इसी क्रम में जो है वो कोलंबस, यद्यपि स्पष्ट नहीं मिलता कि किस उद्देश्य से आया था, लेकिन कोलंबस जो है वो वास्तव में जब निकला था तो भारत की ही खोज करने के लिए निकला था वो, लेकिन रास्ता भटक जाने के कारण कहाँ पहुँच गया आपका, अमेरिका पहुँच गया। और कोलंबस ने किसकी खोज कर डाली, अमेरिका की खोज कर डाली, है ना। तो पहला व्यक्ति जो भारत की खोज करने के लिए निकला लेकिन रास्ता भटक गया और कहाँ पहुँच गया, अमेरिका पहुँच गया। तो इसी तरह से आप लोग भी पढ़ रहे हैं, स्टूडेंटों में भी देखा हमने कि शुरू में बड़े जोश खरोश से आते हैं लेकिन फिर धीरे धीरे अपना रास्ता जो है वो भटक जाते हैं। अगर रास्ता भटक जाएंगे तो मंजिल जो है उनकी दूर हो जाएगी या हो सकता कि उनको मिले ही नहीं। चलिए हम चलते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही मिल जाता है कि अमेरिका की खोज किसने की, तो किसने की, कोलंबस ने की। उसके बाद भारत में जो है वो पुर्तगाली आए, तो भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यापारी कौन था आपका, वास्को डी गामा था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, तो 17 मई 1498 को, याद रखिएगा 17 मई 1498 को जो है आपका पुर्तगाली यात्री जो था वो था आपका कौन था, वास्को डी गामा भारत आया और कहाँ पहुँचा, कालीकट। कालीकट भारत के पश्चिम में स्थित है, वर्तमान में एक फेमस बंदरगाह भी है ये, तो कालीकट पहुँचा। और सर्वप्रथम भारत में कौन आए, ये क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम भारत में कौन सी यूरोपीय कंपनी आई, तो पुर्तगाली आए, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है। और पुर्तगाली के रूप में कौन आए 1498 में जो है वो आपका कौन आया, वास्को डी गामा आया। और वास्को डी गामा का जो पथ प्रदर्शक था वो कौन था आपका, अब्दुल मनीद, कौन था आपका, अब्दुल मनीद। तो ये बहुत कम किताबों में मिलता है आपको, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आया है आपका ये कि जो वास्को डी गामा भारत आया था तो उसका पथ प्रदर्शक कौन था, मतलब उसका गाइड करने वाला कौन था उसको, तो वो कौन था आपका, अब्दुल मनीद। और एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की, किसने की, वास्को डी गामा ने की। तो इसको भी आपको याद रखना है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की, वास्को डी गामा ने की। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि जब कालीकट आया कौन, वास्को डी गामा, तो बड़े जोश खरोश से जो है वो आपका कालीकट के राजा जमूरियन ने जो है वो उनका स्वागत किया। तो एक क्वेश्चन आपका इस तरह पूछा है, जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा तो उस समय कालीकट का तत्कालिक राजा कौन था, तो कौन था आपका, जमोरियन, कौन था, जमोरियन, तो इसको याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि भारत में व्यापार करने के लिए पुर्तगाली
ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कब बनी, तो कब बनी 1498 में। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम, वास्को डिगामा आने की और ये कंपनी बनने की, स्थापित होने की, दोनों की डेट जो है वो सेम है, तो इससे हम जो है वो ये याद रख सकते हैं, दोनों चीज़ें याद रख सकते हैं, दोनों की डेट सेम है। तो इस तरह से पुर्तगालियों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी वो कब बनी थी 1498 में, तो इस तरह से हम इसको सन को जो है वो याद रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी माने पहला अपना कारखाना, उस समय कारखाना को जो है वो कोठी बोला जाता था, तो पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोली, तो कोचीन में खोली। तो कोठी कासे कोठी कासे कोचीन, कासे कोठी कासे कोचीन, तो पहले पहली कोठी थी आपकी ये अंग्रेजों की, अंग्रेजों की नहीं बल्कि पुर्तगालियों की। तो इस तरह आप याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आपका ये पूछता है कि काफ़ी हद तक ये सफल भी रहे पुर्तगाली और अंत तक रहे काफ़ी, ये है ना, अंग्रेज और पुर्तगाली ये दो ऐसे यूरोपीय कंपनियां थीं जो भारत में व्यापार करने के लिए आई, लेकिन यहाँ की जो है वो शासक बन गई, और ये दोनों भारत में लगभग सफल नहीं, सबसे ज़्यादा अंग्रेज सफल रहे और दूसरा स्थान सफलतम किसका आता है आपका, पुर्तगालियों का आता है। तो पुर्तगालियों ने ही जो भारत को सबसे पहले उपनिवेश बनाया। तो एक क्वेश्चन पूछता सकता है कि भारत को सर्वप्रथम उपनिवेश किसने बनाया, तो किसने बनाया, पुर्तगालियों ने बनाया। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। ये जनरली हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेज को समझते हैं कि अंग्रेजों ने उपनिवेश बनाया तो हम अंग्रेज आंसर लगा देते हैं, लेकिन ये आंसर जो है वो सही नहीं है। सही आंसर क्या है आपका, पुर्तगाली है। फिर आगे हम चलते हैं कि पुर्तगालियों ने यहाँ पे कई हिस्सों में अपना जो है आधिपत्य स्थापित कर लिया, और उन्होंने जो है वो अपना भारत के लिए वायसराय नियुक्त किया। तो पहला वायसराय कौन था पुर्तगाली द्वारा, फ्रांसिस्को दी अल्मोडा। तो पुर्तगाली कंपनियों ने जो है वो पहला वायसराय किसको नियुक्त किया भारत के लिए, वो कौन था आपका, फ्रांसिस्को दी अल्मोडा। और उसके बाद दूसरा वायसराय कौन था आपका इनका, अल्बुकर्क, अल्बुकर्क, जिसे भारत में पुर्तगाली कंपनियों को, वो पुर्तगाली कंपनी को जो है वो एक मजबूती से स्थापित किया। इसलिए इतिहास में जो है वो पुर्तगाली साम्राज्य की का वास्तविक संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है, अल्बुकर्क को, अल्बुकर्क को, किसको, अल्बुकर्क को जो है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए उसके बाद चले, तो कुछ पुर्तगालियों ने भारत को उसको बहुत कुछ दिया, जिसमें से मुख्य क्या है आपका, तो भारत में जो है जहाज़ निर्माण, क्योंकि ये समुद्री मार्ग से व्यापार करते थे तो उसके लिए जहाज़ की जरूरत होती थी, तो उन्होंने भारत में जो है जहाज़ बनाने की प्रक्रिया शुरू की। इसके अलावा इन्होंने भारत में जो है वो प्रिंटिंग प्रेस की भी शुरुआत की, माने प्रिंटिंग प्रेस भारत में किसकी देन है, पुर्तगालियों की। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस आप समझ रहे होंगे, जहाँ पे कोई किताबें बुकें वगैरह या अखबार वगैरह छपते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंटिंग प्रेस बोलते हैं। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसकी देन है, पुर्तगालियों की देन है। इसके अलावा उन्होंने भारत में जो है वो आलू की और तंबाकू की, आलू और तंबाकू खेती का भी जो आविष्कार किया। आज तो दोनों भारत में खूब चलती हैं, पुर्तगाली चले गए, लेकिन तंबाकू हम खूब खाते हैं और आलू भी खाते हैं ना, और जो समोसा आलू बंडा बनता ना, इसमें सबसे बोल किसका महत्वपूर्ण है, आलू का। तब आलू हम खूब खाते हैं, और कोई भी ऐसी सब्जी नहीं जिसमें आलू ना पड़े, है ना, तो हमारे एक खान पान का एक मुख्य हिस्सा भी आलू बन गया। लेकिन आलू की खेती भारत में किसने शुरू की, पुर्तगालियों ने शुरू की। तंबाकू खेती भारत में किसने शुरू की, पुर्तगालियों ने की। चलिए आगे चलते हैं। पुर्तगालियों ने जो पहला अपना प्रिंटिंग प्रेस जो स्थापित किया था, है ना, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस वो कहाँ पे किया था, गोवा में, जो वर्तमान में एक राज्य है, और कब किया था, 1556 में, कब किया था, 1556 में गोवा में जो है वो पुर्तगालियों ने भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है वो स्थापित किया। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। और इसी समय जो है वो 1542 में संत जेवियर जो है वो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत आए, और ऐसा कहा जाता है, इतिहास में ऐसा लिखा हुआ है कि उन्होंने कई लोगों को, खासतौर से मछुआरों को, है ना, उन्होंने ईसाई धर्म की ओर आकर्षित किया, और ईसाई धर्म में उनका जो है वो धर्मांतरण कराया।
चलिए पहले तो आपके बात हो गई पुर्तगाली आए, उसके बाद पुर्तगाली के बाद कौन आए, तो डच आए। तो डच के बारे में हम जान लें, बहुत इनका लंबा सफ़र नहीं था भारत में, है ना, काफ़ी हद तक सफल नहीं रहे, क्योंकि अंग्रेज़ों के आ जाने के कारण से जो है वो डचों को भारत जो है वो छोड़ना पड़ा। तो पुर्तगाली के बाद भारत में कौन आए, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो डच आए। और भारत के लिए डच इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई, तो 1602 में की गई। और यहाँ पे हम थोड़ा सा एक डाउट बनता है बच्चों के बीच में, किताबों में भी डाउट मिलता है, जब हम बात करते हैं यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन की, तो ये तो क्लियर है सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए, इसमें कोई डाउट नहीं बनता है। लेकिन दूसरे नंबर पे कौन आए, तो कुछ किताबों में आपका अंग्रेज लिखा मिलता है, कुछ किताबों में आपका जो है वो डच लिखा मिलता है। तो अगर हम इतिहासकारों की भी बात माने तो दूसरे क्रम में कौन आए थे आपके, डच ही आए थे, और तीसरे क्रम में कौन आए थे आपके, अंग्रेज आए थे। लेकिन ये डाउट बनता क्यों है, तो ये डाउट इसलिए बनता है क्योंकि जो इनकी व्यापारिक कंपनियों की स्थापना हुई थी, जैसे कि आपकी हम बात करते हैं पुर्तगालियों की, तो पुर्तगालियों की व्यापारिक कंपनी की स्थापना कब हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1602 में, जबकि अंग्रेज़ों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कब हुई थी, 1600 में हुई थी। तो 1600 पहले आता है, 1602 बाद में आता है, इसलिए इस तरह का डाउट बनता है। लेकिन अगर हम देखें उनका सही आने का क्रम क्या है, तो उनका क्रम सही है, पहले पुर्तगाली, फिर डच, और तीसरे नंबर पे अंग्रेज आए। तो यही सही क्रम है, इसी को आप माने, और इसी के अनुसार जो है वो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो इसी को मान करके क्वेश्चन को हल करें। चलिए हम चलते हैं, डच की बात कर रहे थे, तो प्रथम डच यात्री ये पूछा गया एग्जाम में, कौन था आपका, हाउटमैन, कौन था आपका, हाउटमैन, पहला डच यात्री कौन था, हाउटमैन था। और डचों ने अपना पहला कारखाना, है ना, या व्यापारिक कोठी कह सकते हैं, कहाँ पे स्थापित की, मसूलीपट्टनम में, कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में स्थापित की। और लेकिन हमने बताया जैसे कि डच भारत में अत्यधिक प्रभावशाली नहीं रहे और भारत छोड़कर उनको वापस जाना पड़ा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1859 में जो है वो भारत में डच साम्राज्य का क्या हो गया, अंत हो गया, है ना, डच की कहानी ख़त्म, और डच भारत से चले गए। और गए क्यों, क्योंकि उसके बाद अंग्रेज आए, और डचों में और अंग्रेजों में व्यापार को लेकर के इनमें आपस में जो है वो संघर्ष हुआ, और उसी संघर्ष में जो है वो डचों को जो प्रकार से कहें कि अंग्रेजों ने जो है वो भगा दिया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक युद्ध हुआ था आपका बेदरा का युद्ध, है ना, इसको याद रखिएगा, कई एग्जामों में आया है आपका ये बेदरा का युद्ध, कौन सा युद्ध, बेदरा का युद्ध। तो ये किसके बीच में हुआ था, अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ था, और इसका रिजल्ट क्या रहा, डच बुरी तरह से जो है वो पराजित हो गए, और इतनी बुरी तरह से पराजित हो गए कि जो है उनको यहाँ से वापस जाना पड़ा। तो वीडियो लम आज मेरी क्लास इतनी ही थी, और भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन ये पार्ट फर्स्ट है, और अगली क्लास में मैं आपको जो है वो और अन्य व्यापारिक कंपनियां हैं, जैसे कि आपने क्रम बता दिया कि सबसे पहले कौन आए आपके, पुर्तगाली आए, फिर कौन आए आपके, डच आए, फिर आपके कौन आए, तीसरे नंबर पे अंग्रेज आए, फिर उसके बाद डेनिस आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए, और उसके बाद जो है वो स्वीडिश आए। तो इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो अगले वीडियो में हमारा जो है वो यही रहेंगे कि इनका भारत में आगमन किस तरह से हुआ, इनके अधिकार क्षेत्र क्या थे, इनकी पहली व्यापारिक कोठी क्या थी, और जो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके एग्जाम में आते हैं वो मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो मैं आर के सक्सेना अगली क्लास तक आप लोगों से विदा लेता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद।